हाय एवरीवन, मैं हूँ गीतिका और आपका स्वागत है मेरे चैनल गीतिकास किचन एंड लाइफस्टाइल में। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये मैं बार बार ये इस बात का जिक्र कर रही थी कि मेरे हैंड सर्जरी हुआ है कुछ महीनों पहले, तो मैं उसी के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो आज मैं एक गिलास लेके बैठी हूँ यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ग्लास क्यों लेके बैठी हूँ। तो मेरा जो हैंड सर्जरी हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था। तो ये एक बियर मग है, बट मैं इसमें पानी पिया करती थी। तो एक दिन की बात है, दिसंबर का टाइम था और दिसंबर 21, तो मैं रोज़ की तरह इसमें कॉफ़ी भर के पीती थी। इतना ग्लास में भर के इसमें ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। तो उस दिन मैंने क्या किया, इसमें पानी भर कर माइक्रोवेव में रखा और माइक्रोवेव में से जब मैंने इसे निकाला तो ये मेरे हाथ से अनबैलेंस हो गया और जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर ये टकरा कर और मेरे हाथ में टूट गया। तो ये आप देख सकते हैं कितना थिक है नीचे से। पता नहीं कौन सा पार्ट मुझे फिंगर में, मेरे फिंगर के नीचे आके लग गया। तो इससे मैं बहुत बच के रहती हूँ। इससे मेरे हस्बैंड ने छुपा के रख दिया था, अभी मैंने इसे निकाला है ऊपर से क्योंकि वीडियो बनाना था ना। तो बस वही, तो मैं आपको हाथ अपना बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ पर आपको शायद इससे नहीं दिखेगा। मैं आपको कैमरा इस तरफ से बताती हूँ। तो ये मेरा हाथ है, तो मुझे लगी यहाँ पर थी, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे लगी थी, इस लाइन पे मुझे लगी थी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ लगने पर मुझे ये दो जो फिंगर की अंदर की टेंडन्स होती है उस पर इफ़ेक्ट हुआ था, वो कट गए थे काफ़ी सारा। इससे ये बहुत डैमेज हुआ था मेरा फिंगर। तो जब सर्जरी के लिए हम लोग गए थे तो मुझे एक दिन उन्होंने टेम्परेरी स्टिचेस लगा दिए थे यहाँ पे और नेक्स्ट डे कहा था कि आपकी सर्जरी होगी और यहाँ पर दो तीन कट लगाए जाएंगे, दो तीन कट लगाएंगे तो और ये टेंडन्स को हम फिक्स कर देंगे। तो जब मैं ऑपरेशन हो गया था, मेरा सर्जरी हो गई थी, उसके बाद हम लोग घर आए और फिर उसके बाद मुझे जब फिजियोथेरेपी के लिए लेकर गए तब मुझे पता चला, जब ये पूरा ओपन हुआ तो यहाँ से यहाँ तक कट लगा हुआ है। तो मैं देखकर ही शॉक हो गई और मैं तो रोने ही लगी कि इतना कैसे कट लग गया और इतना क्यों बड़ा कर दिया मेरा। इतना सा मुझे कट लगा था और यहाँ से यहाँ तक मेरा हाथ का सर्जरी हो गया था। तो मैंने उनको पूछा कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे किया आपने, तो उन्होंने फिर हमको समझाया। अभी भी ये फिंगर में मेरे काफ़ी स्टिफनेस रहती है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये जो टेंडन्स कट गए थे ना, तो और एक दिन मुझे टेम्परेरी स्टिचेस लगाया, फिर मुझे घर भेजा और मैं घर आई और नेक्स्ट डे गई मैं, तब तक मुझे 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुका था, ऑलमोस्ट 30 आवर्स हो गए थे इस इंसिडेंट को। तो ये क्या हुआ था, ये जो टेंडेंस होती है एक इलास्टिक जैसे होती है, तो ये पीछे चले गए थे। तो उनको लगा शायद वो टेंडेंस यहाँ पर होंगे, तो उन्होंने यहाँ से यहाँ तक कट लगा दिया। जब उनको यहाँ पर भी नहीं मिली तो फिर उन्होंने देखा और फिर उनको पता चला कि ये इस तरफ है, तो यहाँ से कुछ पता नहीं कैसे खींच के उन्होंने निकाला होगा और फिर यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन किया और इसलिए मेरा ये इतना बड़ा सर्जरी हो गया था। तो ये फिंगर से यहाँ से मुझे कट लगा है, यहाँ से यहाँ पर ये जो डबल यहाँ पे डबल स्टिचेस लगे थे, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक,
तो ये डब्लू जैसा कुछ बन गया है यहाँ पे। तो मैंने पूछा भी कि ये ऐसा क्यों लगाते हैं, ये कट ये सीधा क्यों नहीं लगाते हैं, तो उन्होंने बोला हाथ में ऐसे ही सर्जरी होती है। तो ये यहाँ तक, और ये बस 1 इंच का छोटा सा जगह छूटा है, फिर यहाँ से और यहाँ तक, तो काफ़ी बड़ी ये सर्जरी हो गई थी मेरी, और काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको रिकवर करने के लिए। अभी भी मैं हाथ को अपना पूरा फोल्ड नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, अभी भी मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ तो मुझे स्टिफनेस लगती है काफ़ी इस फिंगर में। काफ़ी टाइम मेरा फिजियोथेरेपी चला और बहुत पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ, इंश्योरेंस कवर्ड है बट इतना नहीं होता है, आई थिंक 70-80% कुछ होता है तो, और बाकी 20% हमको देना ही पड़ता है हाथ से, ऐसा कुछ है तो उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता है। तो ये था मेरे हाथ का सर्जरी। हाँ तो मैं कहाँ पर थी, मेरे ये ग्लास से मुझे कट लगा, इसे मैं पहले रख देती हूँ। तो ये ग्लास से मुझे जब कट लगा तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे हुआ क्या है एक्चुअली, और बस मुझे कि कहाँ ये टूट गया है ये मुझे दिख रहा था, पर मैंने देखा ही नहीं कि मेरे हाथ में इतना कट लग गया है। फिर जब मैंने अपने हाथ को ऐसे देखा तो मेरे मुंह से सिर्फ मेरे हस्बैंड का नाम निकला, और मैंने ज़ोर से उन्हें आवाज़ दी, रिंकू रिंकू। उनका एक्चुअली मीटिंग चल रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, 10 बजे का टाइम था, और मैं नाश्ता बना रही थी, तो बच्चों की छुट्टियां लगी थी क्रिसमस की, और मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो होता क्या है ना, जब हम 2-3 काम एक साथ करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 काम, 4 काम, बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं कभी भी 2-3 काम एक साथ नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं 2 काम एक साथ करती हूँ या उससे ज़्यादा काम एक साथ करती हूँ तो वो डेफिनेटली वो बिगड़ता ही है। तो ये इंसिडेंट्स के बाद मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ और बहुत आराम से काम करती हूँ, और आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि चाहे देर हो जाए पर आराम से काम करो, कांच के बर्तनों से हमेशा बच के रहो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, वो आए अपनी मीटिंग छोड़ के, और फिर उन्होंने भी देखा कि अचानक से क्या हो गया, सब घबरा गए और मेरा तो रोना स्टार्ट हो गया। मुझे ये इस बात का टेंशन नहीं था कि मुझे लग गई है, मुझे इस बात का टेंशन था अब घर के काम कैसे होंगे, मैं कैसे काम करूंगी, बच्चों को कैसे संभालेंगे, बच्चों को खाना कैसे कौन बना के खिलाएगा, तो वही सब टेंशन मुझे चल रहा था। फिर मैंने बस रोते रोते इनको जल्दी से कहा डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, और फिर इन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, तो एम्बुलेंस को भी आने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर उन्होंने मुझे देखा और मुझे टेम्परेरी बैंडेज वगैरह लगाया, उन्होंने देखा कि ग्लास से कैसे कट हो गया, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ग्लास से कैसे इतना लग सकता है। तो ब्लीडिंग नॉन स्टॉप हो रही थी, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। फिर वो लोग मुझे लेकर गए, काफ़ी दूर था वो हॉस्पिटल, और यहाँ का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल था वो, तो वहाँ मुझे लेकर गए, और वहाँ पर भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स आए, उन्होंने एग्जामिन किया और मेरा एक्सरे हुआ, क्योंकि मेरी जो ये वाली फिंगर थी वो एकदम डेड हो गई थी, वो बिल्कुल इस तरह से एकदम सीधी हो गई थी और बाकी की फिंगर अंदर की तरफ थी सॉरी इस तरफ से वो हो गई थी इस तरह से। तो उनको लग रहा था कि इस फिंगर में कुछ हुआ है, तो इसलिए उन्होंने फिर मेरा एक्सरे लिया। एक्सरे से उनको पता चला कि मेरी जो अंदर की नस है वो कट गई है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ की जो मतलब हॉस्पिटल्स भी है वहाँ पे भी नर्सेस वगैरह और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी ज़्यादा ये इंग्लिश में वो लोग ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, वो लोग जर्मन में ही ज़्यादा बात करते हैं। तो मुझे जैसे तैसे उन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अंदर नहीं आने दिया था, कोविड का टाइम था तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे, तो मैं अकेली अंदर थी, मेरे हस्बैंड बाहर थे। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा जो ये टेंडेंस है वो कट हो गया है फिजिकली,
फिंगर के नीचे, तो इसकी सर्जरी करनी होगी। सर्जरी आज नहीं हो सकती है, सर्जरी कल होगी। तो उस दिन उन्होंने मुझे टेम्परेरी स्टिचेस लगाए और टेम्परेरी स्टिचेस लगा के मुझे घर भेज दिया था। तो फिर और मुझे बिल्कुल भी हिलाने के लिए मना किया था, हाथ काफ़ी अच्छे से बैंडेज किया था और जो स्टिचेस लगाए थे उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दे के मुझे ये स्टिचेस लगाए थे, पर मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं बस रो रही थी और मम्मी मम्मी याद कर रही थी। तो फिर मैं उस दिन घर आ गई, मेरे हस्बैंड लेकर मुझे घर आए और नेक्स्ट डे फिर हम लोग सर्जरी के लिए गए। 8 बजे मुझे जाना था और 8 बजे मुझे नाश्ता करके जाना था, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं खाना था। उन्होंने कहा था आफ्टरनून में 2-3 बजे के बाद सर्जरी होगी। फिर हम लोग गए सुबह 8 बजे के बाद और फिर मुझे उन्होंने रूम में शिफ्ट किया और उसके बाद फिर मुझे सर्जरी के लिए लेकर गए। तो सर्जरी के लिए उन्होंने बताया था पहले कि हम हाथ में आपको इंजेक्शन देंगे एनेस्थीसिया का, और बस हाथ में ही आपको ये करेंगे ऑपरेशन, जिस हाथ में है उसी हाथ में हम आपको इंजेक्शन देने वाले हैं एनेस्थीसिया का। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको पूरा बेहोश करने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो नस डैमेज है, जो आपकी नर्व्स डैमेज है, उसी पे हम अगर इंजेक्शन लगाएंगे एनेस्थीसिया का तो और कहीं कुछ डैमेज ना हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने मुझे पूरा बेहोश किया था। मैं बिल्कुल भी होश में नहीं थी और मेरी 2:30 बजे से मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे याद है मैं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास मैं बाहर आई थी। बाहर आई थी तो मुझे रूम से जब बाहर लाया गया था तो मैं बहुत ज़्यादा होश में नहीं थी, मुझे आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी मेरी। फिर मुझे कुछ देर वहीं रखा गया ऑब्जर्वेशन में, अंडर ऑब्जर्वेशन में। फिर काफ़ी टाइम बाद मुझे ऊपर रूम में शिफ्ट किया, फिर जहाँ मेरे हस्बैंड रुके हुए थे। फिर एक दिन मुझे वहीं रहना पड़ा। मुझे शाम को फिर उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया, ब्रेड और कॉफ़ी दी थी मुझे। तो फिर वो मुझे रात भर पेन होता रहा और मैंने पेन किलर्स वगैरह भी ली थी। तो फिर रात भर मुझे रखा और नेक्स्ट डे मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। तो एक प्लास्टिक का एक कवर बना के दिया था उन्होंने, जो मुझे डेली अपने हाथ पे ही हाथ तक लगाना रहता था। वो मुझे निकालना ही नहीं था, मतलब 1 महीने तक प्लास्टर नहीं था वो, बट प्लास्टर जैसे ही था। वो 1 महीने के लिए लगाया था ताकि आपका हाथ बिल्कुल भी ना हिले, क्योंकि अगर आपका हाथ हिलता है तो स्टिचेस सारे हिल जाएंगे, तो उसे रिकवरी में फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से 1 महीने तक ये सब चला और मुझे हर हफ्ते मुझे इसके लिए जाना पड़ता था फिजियोथेरेपी के लिए, और 15-20 डेज बाद मेरे स्टिचेस निकाल दिए थे, बट घाव काफ़ी गहरा था। फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी जब वो मेरे फिंगर्स को धीरे धीरे ऐसा फोल्ड करवाते थे, फिर धीरे धीरे और नीचे करवाते थे और नीचे करवाते थे। तो अभी भी मेरा जो ये फिंगर है, ये मेरे लिए दोनों फिंगर बहुत मुश्किल से काम करते थे। ये मेरे दोनों फिंगर, मेरा पूरा हाथ ऐसा था और ऐसा था, मतलब मैं फोल्ड ही नहीं कर पाती थी इसे। 2 महीने से 2 महीने तक ये ऐसे ही था। ये अभी मेरा हाथ इतना जो फोल्ड हो रहा है, ये फिर भी ऐसे नहीं फोल्ड होता है, जैसे ये हाथ की फिंगर आप देख सकते हैं इस तरह से ये फोल्ड नहीं होता है। और ये जो फिंगर है मेरी, ये भी मेरी फिंगर इस तरह से रहती है, आप देख सकते हैं इस तरह से ही मेरी फिंगर रहती है। ये मैं स्ट्रेट रख पा रही हूँ पर ये मैं स्ट्रेट नहीं रख पा रही, मुझे इसे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो ये इतना ही मेरा होता है, स्ट्रेट नहीं होता है। तो ये अभी भी मेरे थोड़ी सी फिंगर में है ये प्रॉब्लम, तो अभी ये काफी टाइम लगेगा इसको। हो सकता है मुझे, एक बार तो मुझे ये लग रहा था कि जब 2 महीना हो गया था मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा था, मुझे लग रहा था कि मेरा हाथ ठीक होगा ही नहीं, मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी और मुझे मैं बहुत अपसेट रहती थी, बहुत रोना आता था, घर वालों की याद आती थी, क्योंकि सारे फैमिली और फ्रेंड्स हमारे सब इंडिया में हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। तो मुझे घर की बहुत याद आती थी, अपनी फैमिली की बहुत याद आती थी। तो बस ऐसे ही 2-3 महीने मेरे निकल गए
और घर में भी काफ़ी इन लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे हस्बैंड बीच बीच में घर से ही काम करते थे, बीच बीच में उठ के थोड़ा खाना बना लिया करते थे, और 2-3 हफ्ते बाद तो मैंने भी शुरू कर दिया था। मैं लेफ्ट हैंड यूज़ करके अपना थोड़ा कुकिंग कर लेती थी। दाल राइस का कुकर चढ़ाना है तो मेरे बच्चे धोकर दे दिया करते थे, मैं कुकर चढ़ा देती थी। रोटी मुझसे नहीं बनती थी, रोटी के लिए तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 3-4 महीने मुझे लग गए रोटी बनाने के लिए। रोटी फिर भी मैं अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था और तब भी मैं थोड़ी थोड़ी रोटी बना पाती थी, और आटा वगैरह तो मैं अभी लगा रही हूँ, समझ लीजिए जून से लगा रही हूँ मैं आटा। इसके पहले मैं आटा भी लगा नहीं पा रही थी क्योंकि वो, और अभी भी मुझे इस तरह से नीड करने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, इस तरह से नहीं होता है मुझे आटा घोटने को। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि मैंने आटा लगा दिया है तुम उसको ठीक कर दो, तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रगल हो गया था हमारा। तो इसी बीच मतलब बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प की, हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प की, तो बस इसी तरह से निकल गए हमारे इतने दिन। तो अभी ये जुलाई आ गया है तो अभी ये थोड़ा सा और मेरा रह गया है। तो बस यही थी मेरी कहानी इस ग्लास की और मेरे हाथ की सर्जरी की। तो आप भी ध्यान रखिए हमेशा, इस तरह के बर्तन अगर आप यूज़ करते हैं तो केयरफुली यूज़ कीजिए, एक काम कर रहे हैं तो एक ही काम कीजिए, और अपना ध्यान रखिए और स्पेशली बच्चों का भी ध्यान रखिए। और क्या बोलूँ अब मैं, तो बस यही थी मेरी स्टोरी मेरे हाथ की। तो ये निशानी बन गई है यहाँ की कि मैं यहाँ आई थी और मेरे साथ ये हुआ था। तो चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो होना होता है होता ही है, कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हम अब सामना ही कर सकते हैं इस बात का कि बस, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना भी, अपनी फैमिली का भी, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।